शादी के लिए दीनदारी देखें या खूबसूरती। अगर लड़की का ख़ानदान अच्छा हो, पैसे वाले भी हों, लड़की भी दीनदार हो, पर्दा करने वाली हो और हाफिज़ा हो, मगर खूबसूरत ना हो, तो क्या इससे शादी करनी चाहिए या नहीं? देखिए हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअर्बा, किसी भी औरत से चार वजूहात से निकाह होता है। लिहुस्निहा वली मालिहा वली नसबिहा वली दीनिहा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या तो उसकी खूबसूरती देखी जाती है, बाज़ दफ़ा उसकी दौलत देखी जाती है, बाज़ दफ़ा उसका ख़ानदान देखा जाता है, बाज़ दफ़ा उसका मरतबा देखा जाता है कि ऑफिसर ग्रेड की है या कोई ऊँचे ग्रेड की है। तो आपने फरमाया, फ़ग़्फ़र बिज़ाति दीन, दीन वाली को तरजीह दो। इन चारों चीज़ों में सबसे पहले ये देखो कि दीन है या नहीं है। तरीबत यदाक, आपने फरमाया तुम्हारे हाथ खाक आलूद हों, यानी ये जब ताकीद की जाती है ना किसी बात की, तो ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले दीन को तरजीह दी जाएगी। तो इसलिए खूबसूरती, मालदारी, ख़ानदान, इन तमाम चीज़ों पे निकाह में सबसे पहले तरजीह दी जाए दीनदारी को। हाँ, फिर अगर दीनदार भी है, खूबसूरत भी है, तो नूर अला नूर। दीनदार भी है, ख़ानदानी भी है, मालदार भी है, तो नूर अला नूर। तो लेकिन एक बदसूरत औरत है, दीनदार है, और एक खूबसूरत है, दीनदार नहीं है, तो वो बदसूरत ज़्यादा बेहतर है। अब नौजवानों में एक जोश होता है, बस उनको खूबसूरत चाहिए होती है, उस वक्त दीन नहीं देख रहे होते, उसका फिर वो भुगतते हैं बाद में जब औलाद होती है। क्योंकि आजकल औलादें जो है ना, ज़्यादातर माओं को फॉलो करती हैं। तो ना उसके अखलाक अच्छे हैं, ना वो नमाज की है, ना वो पर्दे की है। फिर आगे बच्चियाँ पैदा होती हैं, वो भी लिबरल बन जाती हैं, वो अधूरे लिबास पहन रही होती हैं। फिर बाप परेशान होता है, मेरी औलाद बन क्या रही है? तो भाई वही बन रही है जो आप उनकी तरबियत के लिए जो माँ लेकर आए हैं, तो वही बन रही है। तो इसलिए दीन पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि बाज़ दफ़ा कोई दीनदार है लेकिन इतनी ज़्यादा बदसूरत है कि उसकी तरफ आपकी तबीयत माइल ही नहीं हो रही है, ये भी फिर बाज़ दफ़ा घरेलू मसाइल का ज़रिया बन जाती है ये चीज़। फिर मर्द जो है इधर उधर तवज्जो जाती है, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं होती उसकी, वो हराम की तरफ जाने का ख़तरा होता है, मोहब्बत नहीं कर पाता जोजा से ही, क्योंकि ये चीज़ें तो नेचुरल हैं। तो ऐसी कोई ज़्यादा ही कोई बदसूरत है तो भाई फिर उसमें फिर थोड़ा इंतज़ार कर लें। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बेदीन से शादी कर ले, बेदीन से तो किसी कीमत पर ना करे, तो इंतज़ार कर ले कि भाई थोड़ा सा डिले कर ले निकाह को, कि भाई मुझे कोई ऐसी मिल जाए जो दीनदार हो और खूबसूरत ना भी हो तो कम से कम काबिल कबूल सूरत हो। तो ऐसी सूरत में उसको मौखर कर दिया जाए। लेकिन हर सूरत में इतनी बात जहन में बिठा लें कि दीनदार को तरजीह देनी चाहिए, और इस ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने दीनदार को तरजीह नहीं दी ना, उसमें सिर्फ औलाद नहीं बिगड़ेगी, एक बड़े मसाइल आजकल ये भी हो रहे हैं कि ज़रा सा आपका उससे इख्तलाफ हुआ, वो कोर्ट से खुला ले लेगी। दीनदार तो सोचेगी ना कि भाई शौहर तलाक देगा तो निकाह ख़त्म होगा, वरना ख़त्म नहीं होता। लेकिन बेदीन थोड़ी सोचती है, वो जाएगी कोर्ट से खुला लेगी और 18 साल तक बच्चों का ख़र्चा आपसे लेती रहेगी और बच्चों को आपके ख़िलाफ़ दिमाग बनाती रहेगी और आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो फिर जब उसको बताया जाएगा ये गैर शरई है और यूँ है फ़लाना है, वो गैर शरीयत को नहीं मानते। तो इसलिए भाई कोशिश किया करें दीनदार से को तरजीह दें।